नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूं कपिल आपके साथ। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, लेकिन ये सरकार भी गिर सकती है, यानी कि जनता गिरा सकती है, नेता गिरा सकते हैं। तमाम तरह के दावपेच हैं, उनके जरिए ये पॉसिबल हो सकता है। अब आपको बता दें कि कैसा ऐसे पॉसिबल है। सबसे पहले आपको बताएं कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ट्विटर पर लगातार एक जंग जारी है। ये जंग है अभद्र भाषा की के ट्वीट्स को लेकर। जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा कि मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, कहा गया कि जो ट्वीट्स उन्होंने किए हैं वो अभद्र जो है वो भाषा का प्रयोग करते हुए किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा की नेता हैं डॉक्टर रिचा, उनकी तरफ से भी कई अपमानजनक भाषा में ट्वीट किए गए। ये ट्वीट थे अदिति, जो डिंपल यादव की बेटी हैं, अखिलेश यादव की बेटी हैं, उनके खिलाफ, और साथ ही साथ डिंपल यादव के खिलाफ भी ये ट्वीट किए गए थे। तो फिलहाल जो है अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और कहा है कि जिस तरीके से ये ट्वीट किए गए, चूंकि योगी की सरकार है, तो डॉक्टर ऋचा के खिलाफ सिर्फ ये कहा गया, और वो भी दबी जुबान में, कि अगर उन्होंने इस तरह का कृत्य किया है तो उन्हें आईटी एक्ट में जितनी कड़ी सजा होनी चाहिए जरूर मिलनी चाहिए, और कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि किसको क्या सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल योगी की सरकार है, और योगी जो है वो फिलहाल अगर हम देखें तो पिछले कई सालों से कोर्ट से अलग अपना फैसला सुनाते हैं, बुलडोजर चलवाते हुए नजर आते हैं। तो क्या ऐसी ही कार्रवाई जो है वो डॉक्टर ऋचा के ऊपर भी हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव भी इसी बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की शह पर ही इस तरह की चीजें हो सकती हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से नरेंद्र मोदी की अगर बात करी जाए तो पिछले कई सालों से वो बेटियों को लेकर तमाम तरह की स्कीम लाते रहे हैं। तो इस तरह की टिप्पणी जब अखिलेश यादव की बेटी पर हुई है तो चाचा शिवपाल भी गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्या ये एक बड़ी वजह बन सकती है सरकार गिरने की आने वाले वक्त में, जब निकाय चुनाव होंगे तो क्या जनता इस बात को ध्यान में रखेगी, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। नमस्कार।